हेलो एवरीवन, मैं हूँ कोडर सिंह और आज हम पढ़ेंगे रिएक्ट जेएस के बारे में। रिएक्ट जेएस एक जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, यू कैन सी यहाँ पे, बिल्ड फॉर बिल्डिंग यूज़र इंटरफेस, जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूज़र इंटरफेस। तो ये इसका काम क्या है, क्योंकि अभी जैसे बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप के अंदर हम सब कुछ जो यूज़र इंटरफेस था सब बन ही रहा था, सब सही चल रहा था। तो फेसबुक वालों ने रिएक्ट क्यों बनाया, फिर गूगल वालों ने एंगुलर क्यों बनाया? तो इस जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी का क्या फ़ायदा है? इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये फ़ायदा है कि जो कोड है, हम लेट्स सपोज हम नैप बार का कोड लिखते हैं, बूटस्ट्रैप के अंदर हमने नैप बार का कोड लिखा, एंड सपोज ये जैसे नैप बार देख रहे हैं आप, ये नैप बार का कोड हमने बूटस्ट्रैप के अंदर लिखा। अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन पे भी जाता हूँ, एग्जाम्पल्स पे भी जाता हूँ, थीम पे भी जाता हूँ, थीम पे दूसरा पेज खुल रहा है, एक्सपो पे जाता हूँ उस पर भी दूसरा पेज खुल रहा है, ब्लॉग पे भी दूसरा पेज खुल रहा है। हाँ, सो मतलब कि होम डॉक्यूमेंटेशन एंड एग्जांपल्स पे उसी पेज पे हमें एक चीज़ कॉमन दिख रही है, वो है ऊपर की नैप बार। ओके, लेट्स सपोज अब आपकी एक वेबसाइट है जिसके अंदर 50 पेजेस हैं, 50 पेजेस के अंदर आप एक कॉमन नैप बार यूज़ कर रहे हो जो आपने बूटस्ट्रैप में लिखा है, जो बहुत सुंदर वेबसाइट है। अब मैं कहता हूँ आपको एज अ आपका सीनियर या फिर एज आपका क्लाइंट कि आप ये जो होम है ना, होम की जगह आप डॉक्यूमेंटेशन कर दो, डॉक्यूमेंटेशन की जगह होम कर दो, तो आपको कितने पेजेस के अंदर ये चेंजेस करने पड़ेंगे? अगर 50 पेज की वेबसाइट है तो आपको 50 के 50 पेजेस के अंदर ये नैप बार का कोड चेंज करना पड़ेगा। लेकिन रिएक्ट जेएस के अंदर क्या है कि वो एक कॉम्पोनेंट बना देता है, इट इज़ अ कॉम्पोनेंट बेस्ड, वो कंपोनेंट बना देता है एक नैप बार का। तो सीधा हम जैसे हम अपना टैग खोलते हैं ना, इनपुट टैग या फिर पी टैग खोलते हैं, सिमिलरली एक हम अपना कस्टम एक कंपोनेंट बना देंगे जिसको हम टैग की तरह खोल सकते हैं। जो जैसे टैग का हमने नाम ले लिया मेरी कस्टम नैप बार, सपोज अगर हम कुछ भी नाम ले सकते हैं, जैसे मेरा नाम कोडर सिंह है तो मैं कोडर सिंह की नैप बार लिख सकता हूँ, कुछ भी कोडर सिंह लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। तो वो नैप बार के अंदर हमने एक बार कोड करा तो हम उस नैप बार का जो जो हम वो बना रहे हैं वेरिएबल या फिर वो टैग बना रहे हैं जैसे इनपुट टैग पी टैग जैसा, उसको हम 50 के 50 पेजेस पे कॉल कर देंगे। और जो मेन फाइल है हमारी जिसके अंदर हमने नैप बार का एचटीएमएल का कोड लिखा हुआ है, उसके अंदर हम जाके बस होम का डॉक्यूमेंटेशन कर देंगे, डॉक्यूमेंटेशन का होम कर देंगे, तो हमारा 50 के 50 पेजेस के अंदर वो फाइल बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो ये फ़ायदा है, सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि हम जो कंपोनेंट्स बना सकते हैं तो हम उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसके अंदर ये बहुत बड़ा फ़ायदा आता है। एंड तो रिएक्ट जेएस के लिए करना क्या है, तो जिस आई होप मैं ये लेके चल रहा हूँ कि आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट की और बूटस्ट्रैप की भी अच्छी खासी नॉलेज है, एंड आपको NPM के बारे में पता है क्योंकि हम NPM से इंस्टॉल करेंगे रिएक्ट ऐप के लिए। तो इसके बाद अगर आपके पास NPM नहीं है तो प्लीज़ आप कोई ना कोई ट्यूटोरियल देख लीजिए यूट्यूब पे, हाउ टू इंस्टॉल NPM इन मैक या फिर विंडोज़ या फिर उबंटू, कोई भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो हम जो फर्स्ट कमांड लिखेंगे वो लिखेंगे हम NPM i, NPM i मीन्स NPM इंस्टॉल -g मीन्स ग्लोबली क्रिएट रिएक्ट ऐप। ये इंस्टॉल जैसे हम एंटर करते हैं, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो शायद से ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपका इंस्टॉल नहीं है तो इट कैन टेक कपल ऑफ मिनट्स, दैट्स इट, मतलब कि कुछ मिनट ही लेगा लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो ये ग्लोबली -g मीन्स ग्लोबली, आप कहीं भी क्रिएट रिएक्ट ऐप कॉल करेंगे वो कॉल हो जाएगा। तो ठीक है, अब हम क्रिएट रिएक्ट ऐप कॉल करते हैं और एक नई ऐप बनाते हैं। क्रिएट रिएक्ट ऐप यूट्यूब, तो इट विल टेक लाइक कपल ऑफ मिनट्स, 4-5 मिनट में बन जाना चाहिए, तब तक ये बनता है। एक बार हम इसकी वेबसाइट के साथ गो थ्रू कर लेते हैं। सो इसके फीचर्स बताया है, डिक्लेरेटिव कंपोनेंट बेस्ड लर्न वंस, एक बार आप डेफिनेटली इसकी ट्यूटोरियल्स पे सॉरी डॉक्स पे एंड ट्यूटोरियल ज़रूर देखना इसकी वेबसाइट पे। एंड सिंपल कंपोनेंट्स में कैसे बनता है ये एकदम इन्होंने समझाया हुआ है, प्रॉप्स प्रॉप्स क्या होते हैं, स्टेट क्या होती है, इस सब मैं आपको आने वाले ट्यूटोरियल में समझाऊंगा। एंड कंपोनेंट यूजिंग एक्सटर्नल प्लगइन्स, मतलब कि हम कैसे दूसरे भाग के भी प्लगइन्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे
अभी इसको एंगुलर की नॉलेज है, जो एंगुलर एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है, बहुत बड़ा, तो वो कंपेरेटिवली बड़ा है तो हैवी है रिएक्ट से. रिएक्ट इज़ वेरी स्मॉल, एकदम प्रिसाइज चीज़ें देता है जो हमें नीड है. ये जिसके अंदर वॉन्ट भी है वो भी दे देता है, अगर बाई चांस कुछ चीज़ चाहिए भी नहीं वो भी दे देता है. एंड सबसे बड़ी बात, ये टाइप स्क्रिप्ट में लिखा जाता है. टाइप स्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है जो जावा स्क्रिप्ट के अंदर कंपाइल होती है, लेकिन इट इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज विच इज़ मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट. तो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाई है टाइप स्क्रिप्ट, ये भी एक अच्छा है फ्रेमवर्क. एंगुलर इज ऑल्सो वेरी गुड फ्रेमवर्क, बट मैं रिएक्ट पे ज़्यादा फोकस करूँगा इंस्टेड ऑफ एंगुलर. जस्ट कि बता रहा हूँ कि आप रिएक्ट चाहे रिएक्ट भी सीख सकते हैं, एंगुलर भी सीख सकते हैं. एंगुलर के लिए आपको टाइप स्क्रिप्ट की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और रिएक्ट के अंदर आपको ES6 की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. तो मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा इसको यहाँ से. यस, सो हमारा ये स्टार्ट हो चुका है. अभी हम जो है CD YouTube करेंगे, यान स्टार्ट करेंगे, यान स्टार्ट या फिर NPM स्टार्ट, आप कुछ भी कर सकते हैं. मेरे पास यान है तो मैं यान स्टार्ट करूँगा, बिकॉज यान इज़ वे फास्टर देन दिस थिंग NPM, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है. आई डोंट नो बिकॉज आई हैव नॉट बेंचमार्क नहीं किया है कि टाइमिंग वगैरह क्या रहती है. सो बट अगर नेवी एक्सपर्ट्स ने बोला तो इट मस्ट बी गुड इनफ. तो अभी हम चेक कर लेते हैं रिएक्ट ऐप. यस, तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो रिएक्ट ऐप है वो चल रही है. अभी जो है हम कंट्रोल सी करके डेवलपमेंट सर्वर रोक देता हूँ. मैं एटम डॉट करता हूँ तो मैं एटम खुल जाएगा. एंड सबसे अच्छी बात है इसकी रियल टाइम में अपडेट होता है. आई मीन मैं कुछ भी चेंजेस करूँ यहाँ पे तो ये रियल टाइम में अपडेट हो जाएगा. सो लेट्स सी हमारे पास क्या आता है सोर्स के अंदर. सबसे मेन चीज़ आती है फाइन चल रहा है. index.js हमें नहीं छेड़ना है. app.js हमें हम छेड़ सकते हैं, लाइक ऑब्वियसली कुछ भी छेड़ सकते हैं, लेकिन हम app.js ही छेड़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगो हटा देते हैं यहाँ से, या फिर रहने देते हैं. यहाँ पे हम पहले चेंज करके देखते हैं. वेलकम टू रिएक्ट ट्यूटोरियल. Real by coder sync. See the moment I save it, ये यहाँ पे change हो जाएगा अपने आप ही. मैंने कोई refresh button नहीं दबाया. So इसकी ये बहुत सही बात है कि ये जो real time में ये change हो जाता है. तो फिर इसको हम थोड़ा real time में ही लेके चलते हैं. So this much for the first tutorial. नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि कंपोनेंट कैसे बनाते हैं. थैंक यू सो मच.